मजेदार कॉन्सेप्ट मनी का, मनी सप्लाई, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, इम्पोर्ट अगर आया एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. सो मनी इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट? मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. मनी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कंट्री में कितनी मनी है, मनी सप्लाई क्या है, वो तो एक डेट का होगा ना, उसके अगले दिन फिर कुछ हुआ होगा, नए नोट छपे होंगे या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से और मनी क्रिएट हुआ होगा, यस और नो? तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं कि एक कंट्री में कितना है मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. प्लीज रिवाइज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम. मनी टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक. ओके, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई. इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंटिटीज. इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स, दैट इज द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम. As cash balances held by them do not come into actual circulation in the money. क्या एक होते हैं balances of banks with other banks or the RBI, कह रहे money supply में वो नहीं आता. Currency held by the public only. It may be in the form of hard cash or their deposits with the bank, but only held by the public. Not the government, not the government or the banking system. उनके bank balances नहीं चाहिए, उनके अपने personal, उनके reserves नहीं. वो तो money creating sector है, money using sector. Money held by the public only. तो clear है? What our stock concept है? ये भी clear है. चार measures हैं. M1, M2, M3, M4. वेर M1 इज द मोस्ट लिक्विड, वेर M1 इज द, अभी तक जो हम बातें करते वो बिल्कुल ही जनरल थी, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, वो तो कुछ नहीं, ये जनरल नॉलेज नहीं है, या तो आता है या नहीं आता. ओके, तो ये आपको अलग से याद करना ही पड़ेगा. M1 मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड एज गुड एज मनी. M4 लीस्ट लिक्विड, मतलब वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड करता है जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम ले सकते हैं. तो M1 to M4 मतलब ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो गया एक तरह से. तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड. M1 की बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? टू मेन कंपोनेंट्स, टू मेन कंपोनेंट. अभी M1 M4 वो डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आ जाएंगे. तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक. वॉट इज मनी सप्लाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक. तो आपके पास जो पैसा है दो फॉर्म में हो सकता है, एक जो आपके अभी कैश इन हैंड है, एक जो आपका बैंक में बैलेंस है. यही दो चीजें हो सकती हैं. सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, टू मेन कॉम्पोनेंट्स, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक. ये बात हो रही है कॉइन्स और नोट्स की, इसमें कोई डाउट? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक. इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स. ओके, करेंसी मनी इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी. इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा. फिएट मनी, एक होता है फिएट मनी, मनी बैक्ड बाय लॉ, मनी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. लीगल टेंडर भी बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर. मनी बैक्ड बाय लॉ, फिएट मनी. वन मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक होता है फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी मनी, मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट. आपने मुझे फीस दी कैश में, लीगल टेंडर है, आई कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. आपने मनी दी, पेमेंट करी चेक से, क्या मैं रिफ्यूज कर सकता हूँ? यस, चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर, चेक इज नॉट फिएट मनी, इट इज फिड्यूशरी मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट. हो सकता है चेक बाउंस हो जाए, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता?
तो एनी मनी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर फिड्यूशरी मनी, मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट, भरोसा कर रहे हो आप किसी इंसान पे तो उस ट्रांजैक्शन में आ रहे हो. फिएट मनी लीगल टेंडर, मनी बैक्ड बाय लॉ, आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहे, वो तो एक एक्सेप्टेबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी, गवर्नमेंट उसको ऑनर कर ही देगी. कोई डाउट? तो फिएट मनी, फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, मनी अंडर लॉ, ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर. एक होता है तो ये फिएट मनी तो हो गया लीगल टेंडर मनी, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, फिड्यूशरी मनी. लिख देता हूं, फिड्यूशरी मनी, मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट, मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट. एग्जाम्पल, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फाइंड आउट. कमिंग बैक टू द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, टू मेन कंपोनेंट्स, करेंसी की बात हो गई, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स और बैंक मनी ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की, पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स. डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम. जो आपने चेक काटा और कभी भी पेमेंट हो गई, डिमांड डिपॉजिट्स, विड्रॉएबल, विड्रॉएबल ऑन डिमांड. ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड. इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इज इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड. एक बैंक का दूसरे बैंक में बैलेंस है वो नहीं, सिर्फ जो इंसान का बैंक में नेट डिमांड डिपॉजिट्स, लोगों का जो आपका बैंक बैलेंस है वो, HDFC का बैलेंस है कहीं पे, ICICI में थोड़ा सा, RBI में थोड़ा सा, वो नहीं कंसिडर कर रहे. करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. ये है मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. मेजर्स में बहुत सारे वेरियंट्स आएंगे, बट आएगा एग्जाम में व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स, जनरल डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, तो उसमें आया हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली और कुछ नहीं. ओके ओके ओके. Interbank deposits are deposits held by banks on behalf of other banks. Such deposits do not form a part of money supply as they do not belong to the public. समझ आ गया ना, एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ नहीं. Gross demand deposits include interbank deposits, but हम क्या consider कर रहे हैं, net demand deposits, ना कि gross demand deposits. Gross में सारे bank balances आते हैं banks के भी. Term deposits are not included in the components of money supply. In the components of money supply, general definition of money supply में सिर्फ क्या आता है, currency held by the public. It may be in the form of coins and notes. It may be in the form of demand, net demand deposits only. Demand deposits वो होते हैं withdrawable through checks. Demand मतलब जब आपको जरूरत है आप गए ATM से पैसे withdraw कर लिए. आपने FD करा रखी है तो क्या ATM से विड्रॉ हो सकती है? FD होती है fixed deposit. आपने एक साल की FD करा रखी है, पांच साल की FD करा रखी है, तो क्या वो आपके बैंक बैलेंस में आ रहा होगा? नो, बैंक बैलेंस में नहीं आता. FD अलग होता है, आपके डिमांड डिपॉजिट्स आपका बैंक बैलेंस. डिमांड डिपॉजिट्स आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं. FD तो एक टर्म के लिए, आपने टर्म डिपॉजिट तभी तो बोलते हैं, इतने टाइम के लिए आपने बोला कि ठीक है इतने टाइम तक मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है ना तभी तो. टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दे कैरी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू योर सेविंग्स अकाउंट बैलेंस. समझ आई बात? टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. क्लियर? क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में सिर्फ करेंसी, कॉइन्स एंड नोट्स, और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक ओनली. इंटरबैंक डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, टर्म डिपॉजिट्स नहीं आएंगे. कोई डाउट? दीज टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी, एज दे कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन एट विल, जब आप चाहें तब. डिमांड डिपॉजिट्स में दोनों आते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स. क्या नहीं आते? टर्म डिपॉजिट्स. कोई डाउट? करेंट अकाउंट बैलेंस एक बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है वो करेंट अकाउंट ओपन होता है, जो एक नॉर्मल सैलरीड बंदे का है वो सेविंग्स अकाउंट होता है.
कोई डाउट? क्लियर? कोई इंडिविजुअल अपने नाम से करा रहा है वो सेविंग्स अकाउंट होता है कंपनी के नाम से, नॉर्मली इंडिविजुअल के नाम से भी करेंट अकाउंट खोल सकते हैं, बट करेंट अकाउंट का पर्पस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होता है। करेंट अकाउंट के जो बैंक बैलेंस होता है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इसलिए वो सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन के, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप करो कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजेक्शन अलाउड होते हैं, उसके ऊपर चार्जेस इम्पोज हो जाते हैं। पॉइंट, टर्म डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स में भी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स और करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। क्लियर? दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ, अलग क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, डिफाइन मनी सप्लाई, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसमें किसी को कोई डाउट?